सूरज की किरणें छिपाएं तो छिपाएं कैसे, सूरज की किरणें छिपाएं तो छिपाएं कैसे, फूलों की महक चुराएं तो चुराएं कैसे। सूरज की किरणें छिपाएं तो छिपाएं कैसे, फूलों की महक चुराएं तो चुराएं कैसे। आप ही बताओ ए मेरे दोस्त, आप ही बताओ ए मेरे दोस्त, अगर आप हो उदास हम मुस्कुराएं तो मुस्कुराएं कैसे। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1KG का पार्ट नंबर 4। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने करा दिया है, अर्थात कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता दिया है। यदि आपने इसके पहले के क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट वाइज पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर सभी क्वेश्चनों को आसानी से देख सकते हैं और अपने नोटबुक में आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा मैथ आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना आसान सा तरीका आपकी भाषा में कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं अपने क्लास का, मैथ अपने सब्जेक्टों का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए। आपको यहाँ पर फ्री में क्लासेस दी जा रही है, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो किस बात की देरी। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा आप लाभ उठाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों, बारी आपके क्वेश्चन नंबर 11 की। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं और आपको अनुभव इतना तो हो ही गया होगा कि तुल्यता संबंध जब आपसे पूछता है तो किस तरीके से आपको मानों को निकालना होता है, क्या करना होता है। ठीक है, अभी तक आपको नहीं ज्ञान हुआ है तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ और अलग तरीका समझाने का प्रयास करेंगे जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहला मेरा कर्तव्य होता है कि मैं क्वेश्चनों को पढ़ूं, तो क्वेश्चनों को आप पढ़िए। दिखाओ कि, यानी सिद्ध करके आपको बताना, दिखाओ मतलब सिद्ध करके दिखाओ उसको। दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब तुल्यता संबंध है ये भी बोल दिया है, अर्थात सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। तो कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पर आप मान लीजिए समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो क्या है, n है। ठीक है, तो आप यहां पे पहले मान दीजिए, माना समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय n है। ठीक है, आप इसका जो समुच्चय है n मान दीजिए। ठीक है, बिंदुओं का समुच्चय हम यहां पे क्या मान देते हैं, n मान देते हैं। अब बोल रहे हैं मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x, तो यहां पर हम मान देते हैं उतनी ही दूरी। और हमें जब स्वतुल्य और सममित संक्रमक बताना होता है तो हमें तीन मानों को खोजना होता है। तो यहां पे x पहले से दे दिया है, y और z को मान लेते हैं। तो यहां पे लिखिए y, z। ठीक है, y, z मूल बिंदु से, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर है जितनी की यक्ष है। ध्यान दीजिए, बोला है कि समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु यक्ष तुल्यता संबंध है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि देखिए उतना ही दूरी है जितना यक्ष की दूरी है समतल पर। देखिए यहां बोला है दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो समतल में जितनी दूरी यक्ष का है उतनी ही दूरी तो वाई और जेड का भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि बोल ही दिया है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है। उतनी ही दूरी का मतलब सभी का जो दूरियां हैं वो बराबर, मान लीजिए मूल बिंदु आपका यही होता है तो ये यक्ष है, ये वाई है, ये जेड है, या कुछ मान लीजिए ओ, मान लीजिए ओ तो मान लीजिए केंद्र होता है, कोई भी मान सकते, ए मान लेते। ठीक है, तो उतनी ही दूरी पर ये हैं जितनी की यहां से यक्ष है, जहां से जेड है, यहां से वाई है, सेम दूरी पर है। ठीक है, तो सेम दूरी होने का मतलब यहां पर ध्यान दीजिए पहला मान निकालते हैं। देखिए यहां पर जो मान निकल रहा है जब सेम दूरी पर है
तो यहां पर यक्ष बराबर यक्ष हम ले सकते, जैसे यक्ष बराबर वाई हो सकता है, बराबर दूरी पे हैं तो यक्ष बराबर वाई हो सकता है, वाई बराबर यहां पे वाई बराबर क्या हो सकता है, यक्ष हो सकता है। जब बराबर दूरी पर हैं तो यक्ष वाई के बराबर हो जाएगा, वाई यक्ष के बराबर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि सममित संबंध है, यहां पे सममित है। जब सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, तभी तुल्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपका यहां पे मिल गया सममित। जब यक्ष वाई के बराबर है, वाई यक्ष के बराबर है, अर्थात यक्ष रिलेशन वाई है और वाई रिलेशन यक्ष है, तो सममित संबंध है। क्लियर हो गया। चले यहां पर दूसरा देखेंगे, यक्ष बराबर क्या है, यक्ष वाई बराबर वाई और जेड बराबर जेड। आपस में ये सभी बराबर हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से सभी का दूरी जो है वो समान है। तो समान है कहने का मतलब यहां पर लिख सकते हैं एक्स रिलेशन एक्स, वाई रिलेशन वाई और जेड रिलेशन जेड आप लिख सकते हो। जब लिख सकते हो तो अतः आप कह सकते हो क्या, स्वतुल्य स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट, तीसरा आपको बताना है संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमक का मतलब तीनों दूरियां बराबर हैं, एक्स भी वाई भी जेड भी, यानी अब तीन ही बात किया, तीन ही को लेके चलेंगे। क्यों तीन को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें संक्रमक में तीन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर क्या है जेड है, अर्थात एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है। तो जब एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड, तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर जेड डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स रिलेशन जेड मिल जाएगा। यानी यक्ष का संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, तो यक्ष का संबंध डायरेक्ट जेड से हो सकता है, अर्थात यक्ष रिलेशन जेड। तो अतः आप क्या लिख सकते हो, संक्रमक है। ठीक है, क्या है, संक्रमक है, यही आपको बताना है। तो सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, तो तीनों है, तो अतः आप कह सकते हैं क्या, तुल्यता संबंध है। ठीक, अतः तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया। चलिए प्रूव्ड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हो, और कैसा लग रहा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं, अच्छे से आया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोल रखा है एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। एन जो है वह धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, और एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स माइनस वाई तीन से विभाज है। तो एक्स और वाई दोनों अवयव किसके, एन के अवयव है, अर्थात एन मतलब धन पूर्णांकों के अवयव है। सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप पहले फोकस करिए। क्वेश्चन में बोल रहा है तुल्यता संबंध बताने की, तो तुल्यता संबंध का मतलब आपको स्वतुल्य भी ज्ञात करना है, सममित भी ज्ञात करना है, और संक्रमक भी आपको बताना है। ठीक है, तो एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, और चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हो आप, यह लिख सकते हो कि प्रत्येक जो पूर्ण पूर्णांक संख्याएं होती है वो स्वयं को क्या करती है, विभाजित करती है। इस तरीके से आप लिखिए, प्रत्येक धन पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, आप धन पूर्णांक लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, प्रत्येक धन पूर्ण संख्याएं स्वयं को विभाजित करती हैं, स्वयं को विभाजित करती है। यहां पे धन पूर्णांक संख्याएं नहीं लिखोगे तब भी, कभी ऋण पूर्णांक भी स्वयं को विभाजित करता है। ठीक है, संख्याएं स्वयं को विभाजित करती है। ठीक है, करती है, जब स्वयं को विभाजित करती हैं तो अतः आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, अतः आप लिख सकते हो कि एक्स एलिमेंट्स वन, यानी या ये एक जो है ये स्वयं को विभाजित करेगा और को भी विभाजित करेगा, लेकिन यहां पे बोल रहा है एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य है। तो एक्स मान लीजिए एलिमेंट्स एक है,
यक्ष एक जो है यक्ष का अवयव है, तो आप यक्ष माइनस अगर यक्ष करोगे तो क्या आएगा जीरो। तो जो जीरो है यक्ष माइनस यक्ष बराबर जीरो, जो आप कह सकते हो तीन से क्या है विभाज्य है। कहने का मतलब अगर हम यहां पर यक्ष माइनस एक्स जीरो कर दे तो ये तीन से क्या होगा विभाज्य होगा। यक्ष माइनस एक्स बराबर जीरो, वाई माइनस वाई बराबर जीरो, जेड माइनस जेड बराबर जीरो अगर करेंगे तो जीरो सभी का मान आ रहा है, तो जीरो आने का मतलब ये क्या है स्वतुल्य है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य है या स्वतुल्य संबंध है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य है इतना लिख देते हैं। अब बात आती है x माइनस वाई तीन से विभाज्य है और एक्स वाई दोनों अवयव है किसके, धन पूर्णांक अर्थात पूर्णांकों के, ठीक है n के। तो आप ऐसा करिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं x माइनस वाई क्या है तीन से विभाज्य है, x माइनस वाई क्या है तीन से विभाज्य है। तो सममित तभी होगा जब x माइनस वाई तीन से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी तीन से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो y माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस यहां क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर होगा तो y के साथ माइनस है तो y प्लस में हो जाएगा, x प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए देखिए ये भी तीन से विभाजित हो रहा है, x माइनस वाई भी तीन से विभाजित हो रहा है, वाई माइनस एक्स भी तीन से विभाजित हो रहा है। अर्थात आप कह सकते हो कि एक्स रिलेशन वाई कामा वाई रिलेशन एक्स क्या है, ये आपस में तीन से विभाज्य हो रहे हैं। जब विभाज्य हो रहे हैं तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, यह सममित संबंध है। ठीक है, सममित है अर्थात सममित संबंध है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं फिर से मां क्योंकि संक्रमक बताना है, तो मानिए एक्स वाई कामा जेड दोनों कुल तीनों अवयव है किसके, प्राकृतिक आधार संख्या के, धन पूर्णांक संख्या के, ये तीनों अवयव है। अर्थात कहने का मतलब एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य है, एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य है, वाई माइनस जेड भी, अगर यह एक्स माइनस वाई तीन से विभाज्य है तो वाई माइनस जेड भी तीन से विभाज्य होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तीन से क्या है, यहां आप लिख दीजिए धन पूर्णांक तीन से विभाज्य है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड धन पूर्णांक तीन से विभाज्य है। तो अब आप इस तरीके से यहां पे यह भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई, ठीक है अब यहां पे माइनस कॉमन कर लो, ठीक है माइनस कॉमन करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहां पे प्लस है ना तो प्लस करो प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है इसको जोड़ो x, ये भी क्या होगा तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है। देखिए y से y कटेगा बचेगा x माइनस जेड, x माइनस वाई वाई माइनस जेड तीन से विभाज्य है तो x माइनस जेड भी तीन से विभाज्य है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं जब x y के साथ था तब भी तीन से विभाज्य था, y z के साथ था तब भी तीन से विभाज्य था, और x z के साथ हो गया तब भी तीन से क्या है विभाज्य है। अतः लिख सकते हैं क्या, यह संक्रमक है। ठीक है, संक्रमक संबंध है, आप संबंध जरूर लिखा करें, ठीक है संबंध है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोला तुलता संबंध है तो नीचे लिख दीजिए अतः यह तुलता संबंध है, तीनों मिल गए तो तुलता संबंध हो जाता है। ठीक है, तो लिख दीजिए तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए हो और अपने नोटबुक में लिख लियो। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है आपसे, यदि आर और एस समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि R यूनियन S, ये यूनियन है U का इसे थोड़ा बनाना है, ठीक है इस तरीके से बड़े में आपको बनाना है, तो R यूनियन S और फिर R इंटरसेक्शन S में X में तुल्यता संबंध है, आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं।
तो R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो, तो तुल्यता संबंध हो पहले से ही बोल दिया है, तो R और S में जो X है वो तुल्यता संबंध हो, तो यहां पहले से ही दिया है, इसको आप लिख लीजिए। दिया क्या है? R, R तुल्य समुच्चय दिया है, तो R यहां पे क्या करेंगे आप, सबसेट R सबसेट X इंटू X, ठीक है, R सबसेट X इंटू X, और इसी तरीके से S सबसेट X इंटू X, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोला R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है, अर्थात दो तुल्यता मतलब मिल रहे हैं आपस में, R सबसेट X इंटू X, S सबसेट X इंटू X यहां पर दिया गया, ठीक है। तो अब यहां पे R यूनियन S भी क्या हो जाएगा, X इंटू X, तो यहां पर आपका निकलेगा R यूनियन S, R यूनियन S सबसेट क्या होगा, X इंटू X निकलेगा, और R इंटरसेक्शन S सबसेट X इंटू X निकलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, X इंटू X निकलेगा। अब आप इतना ध्यान दीजिए, ये तो पहले से ही दिया गया, तो सिद्ध कीजिए बोला है, ठीक है, आपको इतना सिद्ध करना है, तो चलिए ध्यान दे दोस्तों, R यूनियन S सबसेट X इंटू X, R इंटरसेक्शन S सबसेट X इंटू X यहां पर दिया गया है, ये निकला है, ये दिया गया पहले, ये सब मान दिया ही गया है, ठीक है। अब आपको पहले निकालना है स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य का मतलब ये देखिए R में भी X है, S में भी X है, तो अतः आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां पे लिखिए आप a कामा a, ध्यान दीजिए ये अपने से मान रहे, कुछ भी संख्या यहां पे ले सकते हो, ठीक है, ये एलिमेंट्स सॉरी एलिमेंट्स किसके हैं, R के, क्योंकि जो X है R के समान है, और a कामा a एलिमेंट्स किसके समान है, S के समान है, तो a a R में भी मिल रहा है, a a S में भी मिल रहा है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अब जो a a मिलेगा ये इसमें भी मिल सकता है, किसमें, एलिमेंट्स R यूनियन S में भी मिल सकता है, जब R में मिल रहा है S में मिल रहा है तो R यूनियन S में भी मिलेगा, और a कामा a यहां पे एलिमेंट्स R इंटरसेक्शन S में भी मिलेगा, तो अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन S क्या है, स्वतुल्य संबंध है, आपको यही बताना था, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, तो ये तो अभी आपको मिल गया स्वतुल्य संबंध। अब आपको बताना है आगे चल के सममित संबंध और संक्रमक संबंध, तो पहले आप स्वतुल्य संबंध का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं सममित और स्वतुल्य और सममित संक्रमक। तो उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, अब हम देखते हैं सममित संबंध। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बताना है सममित संबंध, सममित बताने के लिए क्या करना है, चलिए यहां पे समझते हैं। आप मान लीजिए a कामा b बिलोंग टू R, ठीक है, a कामा b बिलोंग टू R, a कामा b बिलोंग टू S, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, a कामा b बिलोंग टू R, a कामा b बिलोंग टू S, अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि अब b कामा a बिलोंग टू R और b कामा a बिलोंग टू S, ठीक है, तो अब यहां पर निकलेगा a कामा b बिलोंग टू R यूनियन S, ध्यान दीजिए a कामा b बिलोंग टू R यूनियन S और b कामा a इस तरीके से भी सॉरी a कामा b बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S, ठीक है, तो ये निकल रहा है a कामा b बिलोंग टू R यूनियन S, a कामा b बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो b कामा a, यहां पे a कामा b निकला है, अब ध्यान दीजिए यहां पर b कामा a एक बार a कामा b माने थे, ये वाला हो गया, अब b कामा a बिलोंग टू क्या है R है, और b कामा a बिलोंग टू S है, तो b कामा a बिलोंग टू R इंटरसेक्शन S और b कामा a बिलोंग टू R यूनियन S निकल रहा है, तो a कामा b ध्यान दीजिए a कामा b R यूनियन S, b कामा a R इंटरसेक्शन S, ठीक है,
आर यूनियन एस यहां पर निकल जा रहा है, उसका विपरीत अर्थात ए कामा बी आर यूनियन एस, बी कामा ए भी आर यूनियन एस, ए कामा बी आर इंटरसेक्शन एस, बी कामा ए आर इंटरसेक्शन एस, अर्थात यक्स का रिलेशन वाई से जो होता है वाई का रिलेशन यक्स से वही है। ठीक है, कहने का मतलब जो आर यूनियन एस का रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस के साथ है वही रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस का, ध्यान दीजिए वही रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस का और आर यूनियन एस के साथ है। अतः आप कह सकते हो अतः यह क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, क्या है, सममित संबंध है। चलिए अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सममित संबंध है हो गया, अब बच रहा है संक्रमक संबंध। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं वहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या ये तो हो गया सममित संबंध, अब देख लीजिए संक्रमक संबंध। अब देखिए दोस्तों संक्रमक संबंध कैसे निकालेंगे, तो आप यहां फिर मानिए ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग टू, ए कामा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, ए कामा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस और बी कामा सी बिलोंग टू यहां सॉरी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, बी कामा सी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, तो यहां पे आप लिखोगे ए जो होगा बिलोंग टू आर होगा, होगा नहीं होगा, बी जो होगा बिलोंग टू आर होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए बी जो होगा बिलोंग टू आर होगा और सी जो होगा बिलोंग टू एस होगा। ठीक है, अर्थात देखिए ए जो है बिलोंग टू आर और बी जो है बिलोंग टू एस, यहां पे एस रहना चाहिए था, और फिर बी जो है बिलोंग टू आर और फिर बी जो है बिलोंग टू एस यहां पे निकला, तो ये कह सकते हैं कि ए देखिए बी का एस के साथ रिलेशन है और बी का आर के भी साथ रिलेशन है, अर्थात कहने का मतलब ये एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, तो कह दीजिए बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस निकल गया। ठीक है, ए निकल यहां पर निकल गया, ए बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन यस यहां पर भी निकल जाएगा क्योंकि आपस में एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, तो संक्रमित करने का मतलब यहां पे आप लिखेंगे ए कामा सी, यहां पे सी भी रहेगा। ठीक है, तो ए कामा सी क्या होगा बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस निकल जाएगा, तो ये अभी ए कामा सी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस निकला है, तो अब यूनियन वाले को निकाल लीजिए, सेम यही प्रोसेस करिए, ए कामा बी बिलोंग टू अब आर इंटरसेक्शन एस लिए थे तो आप यहाँ पे आर यूनियन एस ले लो, फिर कामा ले लो बी, बी कामा सी, तो बी कामा सी क्या लोगे बिलोंग टू आर यूनियन एस, फिर वही प्रक्रिया करो, ए बिलोंग टू क्या करोगे आर कर दो, फिर बी बिलोंग टू एस कर दो, ठीक है एस है तो एस कर दो, फिर आप बी बिलोंग टू, बी बिलोंग टू आर कर दो, ठीक है, और फिर सी बिलोंग टू एस कर दो, ठीक है सी बिलोंग टू एस कर दो, आगे की प्रक्रिया आपको पता ही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बी यहां पे बिलोंग टू आर यूनियन एस, ए बिलोंग टू आर यूनियन एस, अब सी बिलोंग टू भी कर सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन यहां पे संबंध बन ही रहा है, तो आपको क्या करना है कि ए कामा सी क्या करना है बिलोंग टू आप लिख दीजिए आर यूनियन एस, तो ए सी का यूनियन के साथ भी संबंध है और इंटरसेक्शन वाले के साथ भी संबंध है, तो आप यहां पर लिखिए ए कामा सी बिलोंग या रिलेशन, इनका रिलेशन किससे है, या बिलोंग टू कर सकते हैं या सीधा ऐसे लिखिए आर यूनियन एस रिलेशन है किसके साथ आर इंटरसेक्शन एस के साथ। ठीक है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह हो जाएगा संक्रमक संबंध, तो यहां पे कर दीजिए संक्रमक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यह संक्रमक संबंध हो जाएगा, तो बोला है तुल्यता संबंध के लिए, तो आप लिख दीजिए तुल्यता संबंध है जिसमें सममित और स्वतुल्य और संक्रमक मिल जाए वह तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें स्वतुल्य सममित और संक्रमक बता दिया गया। ठीक है,
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए करिए और अपने नोटबुक में लिख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ जाइए। क्वेश्चन बोला है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर बराबर 1, b सच दैट b बराबर 1 a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रमक है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। पहले जो आपको दिया है समुच्चय दिया है a बराबर, समुच्चय होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही है, लिख लीजिए। उसके बाद रिलेशन आपको निकालना है। रिलेशन दिया है आपका a, b सच दैट b = a+1, ये आपका रिलेशन यहां पर दिया गया है। अब करना क्या है, रिलेशन आपको निकालना है इसी के रूप में, a, b के रूप में लिखना है, लेकिन b = a+1 लेना है। तो चलिए b = a+1 लेकर हम निकालते हैं। तो ये जितनी भी पूरी माने दी गई है a का मान है, तो a की जगह पर आप 1 रखोगे प्लस 1 है तो 1, 1, 2 निकलेगा, अर्थात b बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा। तो आप a का मान 1 रख रहे हो तो b का मान 2 निकल रहा है। अब b का मान यहाँ पे a का मान 2 रखोगे तो 2, 1 कितना हो जाएगा, 3। तो कहने का मतलब जो b का मान निकलेगा 1 ज्यादा रख निकलेगा। तो अब a का मान 2 रखेंगे तो 2, 1 कितना हो जाएगा, 3। देखिए अब a की जगह पर कितना रखेंगे, 2, 2, 1 कितना हो जाएगा, 3। तो a का मान 2 रखा तो b निकला 3। अब हम यहाँ पे a का मान 3 रखेंगे तो 3, 1, 4 b का मान कितना निकल जाएगा, 4। a रख रहे हैं 3, b निकल रहा है 4, तो 1 ज्यादा ही निकल रहा है। कहने का मतलब अब 1 ज्यादा निकल रहा है तो 1 ज्यादा करके रख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद a का मान 4 रखेंगे तो 5 निकलेगा, a का मान 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और a का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन 7 के ऊपर तक हमें लेना ही नहीं है, तो आप यहीं तक रखो, ठीक है। 6 अब यहाँ पे 6 तक मत रखो क्योंकि बराबर भी है, बराबर का मतलब यहां पर अब हम 6 तक नहीं लेके चलेंगे, 6 तक समाप्त कर देंगे। अब a का मान 6 रख के 7 नहीं लाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसी के माध्यम से हम बताएंगे स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 स्वतुल्य कब होता है, 1, 1 एलिमेंट्स आर होता है, बिलोंग टू आर होता, 2, 2 बिलोंग टू आर होता, 3, 3 बिलोंग टू आर होता, लेकिन ऐसा कुछ आपको दिख रहा है इस रिलेशन में, नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब नॉट 1, 1 बिलोंग, नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। समझा नहीं है, ऐसा कुछ समान नहीं दिख रहा है। यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ समान होना चाहिए, ए का रिलेशन ए बी के साथ समान होना चाहिए, लेकिन यहां पर समान तो है ही नहीं। तो समान इसमें कोई यहां पर जो रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन कोई समान दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब सममित की बात करते हैं, तो चलिए यहां पर दिया है 1, 2 एलिमेंट्स आर, आपको कहीं पर 2, 1 एलिमेंट्स आर दिख रहा है इसमें। देखिए जो यक्ष का रिलेशन वाई के साथ हो वही वाई का रिलेशन यक्ष के साथ होना चाहिए, तो 1, 2 तो रिलेशन इसमें मिल रहा है, लेकिन 2 कहीं 1 के साथ रिलेशन है इसमें, नहीं है। तो 1, 2 एलिमेंट्स आर बट 2, 1 नॉट एलिमेंट्स आर, अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः सममित भी नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये सब तो डेली पढ़ाया जा रहा है आपको। अब देखिए बात आती है संक्रमक की। संक्रमक का मतलब जैसे 1, 2 इसी को लेकर चलते हैं, 1, 2 एलिमेंट्स आर, 2, 3 एलिमेंट्स आर, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, लेकिन 1 का संबंध 3 के साथ इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अर्थात 1, 3 नॉट
एलिमेंट्स आर अर्थात नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन इसमें है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, उसमें निवासी नहीं कर रहा है वहां से। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से, एक कामा दो मिला, दो कामा तीन है, तो एक एक का साथ रिलेशन दो के साथ और दो तीन के साथ रख रहा है, तो एक का डायरेक्ट तीन के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप संबंध में देखिए। तो एक का तीन के साथ कहीं इसमें दिख रहा है रिलेशन, नहीं दिख रहा है ना, तो नॉट रिलेशन का यहाँ पे कर दीजिए, एक का तीन के साथ नहीं है, तो अतः आप कह दीजिए क्या, अतः यह दोस्तों क्या हो जाएगा, संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, संक्रमक नहीं है अर्थात संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रमक संबंध नहीं है। आपसे स्वतुल्य पूछा था, सममित पूछा था और संक्रमक पूछा था, स्वतुल्य भी बता दिया, सममित भी बता दिया और संक्रमक भी बता दिया, तो ये तीनों संबंध इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, आप स्क्रीन शॉट ले लो और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया और अपने नोटबुक में आपने लिख भी लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर जो दिया रिलेशन दिया गया है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, ये सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका समुच्चय दिया गया है क्या 1, 2, 3, उसके बाद रिलेशन दिया गया है, रिलेशन कितना दिया गया ब्रैकेट में 1, 2 और 2, 1। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया, अब आपको संबंध बताना है सम्मित है या नहीं। ध्यान दीजिए, एक का रिलेशन 1, 2, ठीक है, एलिमेंट्स आर, 2, 1 एलिमेंट्स आर, ये दोनों अवयव हैं, एक का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 2 का रिलेशन 1 के साथ है, कहने का मतलब यक्स का जो रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन एक्स के साथ है, तो वह क्या होता है, सममित संबंध होता है। तो अतः यहां पे क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, एक का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो यह सममित संबंध है। स्वतुल्य की बात करते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं, ध्यान दीजिए, अगर 1, 1 एलिमेंट्स आर होता, ठीक है, नहीं है, 2, 2 बिलोंग टू आर होता, एलिमेंट्स या बिलोंग टू कुछ भी बोल सकते, ठीक है, और 3, 3 इस रूप में अगर होता तो स्वतुल्य होता, लेकिन जो रिलेशन दिया गया ऐसा कुछ दिया गया नहीं ना, तो 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 नॉट बिलोंग टू आर, 3, 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो हम अतः लिख सकते हैं क्या, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, यही प्रूव करना है। अब हम देख लेते हैं संक्रमक, संक्रमक है या नहीं। ध्यान दीजिए, 1 का रिलेशन जो 2 के साथ है, 2 का रिलेशन जो 1 के साथ है, तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा। देखिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है, यहां 2 का 3 के साथ होता तो 1 का 3 के साथ बैठ जाता, यहां मिलना भी चाहिए, लेकिन 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो यहाँ पे 1, 1 एलिमेंट्स आर इसमें कहीं पे आपको दिख रहा है, 1 का रिलेशन तो 1 के साथ ही बैठेगा ना, तो नहीं दिख रहा है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। तो कहने का मतलब सममित संबंध है, स्वतुल और संक्रमक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना था, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और अच्छे से आपने नोटबुक में जरूर लिखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पर फ्री में क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आप घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पूरा आप कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूले। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।